मनीष जी, मेरे आपसे एक सवाल ये है कि अगर आपकी सरकार उत्तराखंड में आती है तो जो मॉडल आप दिल्ली में दे रहे थे फ्री बिजली और फ्री पानी का, तो उत्तराखंड में यह कैसे संभव होगा जब आपको पता है यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज कम हैं कंपैरेटिवली दिल्ली के, तो आप कैसे इस वादे को आप फुलफिल करेंगे उत्तराखंड के लिए? सौरभ जी ना? जी सर। सौरभ भाई, मतलब उत्तराखंड के पास जितने संसाधन हैं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जैसे राज्य के पास भी, मैं तो दिल्ली से आता हूँ पर फिर भी मैं कह रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि दिल्ली में भी उतने संसाधन नहीं हैं। लोग यहाँ खूब टैक्स देते ही हैं, व्यापार इंडस्ट्री दिल्ली से ज़्यादा है। मैं तो सिर्फ दिल्ली से कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि दिल्ली का डेटा मेरे पास रहता है। टूरिज्म, नेचुरल रिसोर्सेज, बिजली पानी यहाँ से जाता है देश के बड़े हिस्से को, और साथ साथ दिल्ली में तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको कुल मिला के 325 करोड़ रुपए मिलते हैं साल में। इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बावजूद दिल्ली का बजट जो 2015 में 30,000 करोड़ था और हमसे पहले देखें तो 1,000 करोड़ रुपए के करीब बढ़ता था, मतलब अगर आप 2010 से 2015 में देखें तो वो बजट 25,000 से 30,000 करोड़ हुआ था, और 2015 से 2020 के बीच वो बजट हो गया 30,000 से 60,000 करोड़ का। तो रिसोर्सेज में तो ईमानदारी लाने की जरूरत है। टैक्स, हम और आप जो टैक्स देते हैं उसमें दो जगह चोरी होती है, और ये मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता भी जान रही है इस चीज़ को, पर फिर भी मीडिया के माध्यम से भी और आप सबके माध्यम से जनता में भी कन्वर्सेशन में आए कि दो तरह से चोरी होती है। मैं दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, अथॉरिटी से बता रहा हूँ। एक चोरी होती है जब कलेक्शन में, और दूसरी चोरी होती है कलेक्शन किए गए पैसे को खर्च करने में। मतलब आपने अपनी जेब से 100 रुपये रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, 100 रुपये की जगह आपने वहाँ 112 रुपये पे किए कि भाई हमें टैक्स देना है सरकार को। तो इंस्पेक्टर कोई मिलके और कोई टैक्स चोर मिलके उस 12 रुपये आपसे तो ले लेता है भाई, 100 रुपये का प्रोडक्ट और 12 रुपये टैक्स, 112 रुपये दे जाओ। फिर उसको 12 रुपये को सरकारी खाते में जमा करने की जगह वो मिलके खा जाते हैं। यहाँ खूब चोरी रोकी हमने इस बात पर, और फिर उसको खर्च करने में चोरी रोकी। जो पुल 350 करोड़ रुपए में कन्वेंशनल कॉस्ट में बनता था वो आज 250 करोड़ में बन रहा है दिल्ली में, तय समय सीमा से पहले बन रहा है। तो इकट्ठा करने पैसे की कमी नहीं होती है सरकारों के पास। मैं ये 5-6 साल के 5 बजट तो पेश कर चुका हूँ मैं दिल्ली सरकार में, 5 बजट पेश, 25,000 करोड़ की सरकार को, 30,000 करोड़ की सरकार को 60,000 करोड़ पे लाने का वो भी है, मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड है। मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ कि सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती, और उत्तराखंड के पास तो इतना मेहनत का, इतना संसाधन का वो है, और केंद्र से भी मिलता है। मुझे नहीं लगता कि अगर ईमानदारी से और नेक नियत से काम हो जाए तो पैसे की कभी कमी पड़ेगी उत्तराखंड के लिए।